अब ये पार्लियामेंट है वो ये भजन कीर्तन की सभा क्या उसमें चिमटा बाबा बाल्टी बाबा घंटा बाबा तो इतने मंदिर के बाद देश नहीं बदला तो ये एक जगह इंसान की चर्चा हो रही थी यहाँ भी आपने ये काम कर दिया ऐसे इंसान है यहाँ कि जो छोटा होगा उसको काटेगा और जो बड़ा होगा वो हो खाएगा शराब साफ यानी ऊपर चाटेगा और नीचे काटेगा ये कुछ लोग देश में लोगों को वोट पाने के लिए माथा खराब किए रहते हैं कि हमारे यहाँ ये था हमारे यहाँ थर्स्ट जो है वो टीवी देकर आता और जो नेता हैं, वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं तो और विश्वास अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है हम जो हिंदू कहलाते हैं अपन तो कुछ नहीं अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में न किसी मस्जिद में गया हार जा चाहे जीत जाए अरे हमको मालूम ये है ही नहीं जबरदस्ती का पागलपन चल रहा अरे भाई ये जो भगवान है आपका चाहे वो किसी धर्म का हो भाई मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूँ तेरे हाथ जोड़ते भाई तो किसी तरह दुनिया को छोड़ हमारा तक पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई तो देश है पाखंड से भरा हुआ है। कतले आम धर्म के नाम से हुआ वो युद्धों में नहीं हुआ अब कहते सच बोलो सच ये कह रहा हूँ ही नहीं कुछ तैतीस करोड़ है तो सबसे पहले सुखी देश को होना चाहिए था कि हमने सबसे ज्यादा बाढ़ पत्थर पशु पक्षी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न मानो साथियों नमस्कार मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं जनमत मौजूदा दौर के बड़े तर्कवादी मानववादी विज्ञानवादी और व्यक्तिगत मेरी नज़र में बेहद सम्मानित समाजवादी नेता शरद यादव जी अब हमारे बीच में नहीं हैं उनके जाने के बाद कुछ लोग लिख रहे हैं कि शरद जी नास्तिक व्यक्ति थे ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखते थे और अधार्मिक थे मतलब ये लिखने वाले लोग आस्तिक हैं ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखते हैं और धार्मिक हैं इन दोनों बातों का विश्लेषण मैं भी करूंगा लेकिन उससे पहले जनमत का शरद यादव जी की बेटी सुभाषिनी यादव और बेटे सांतनु यादव को क्रांतिकारी जय विज्ञान जय संविधान इन दोनों को सलाम इसलिए क्योंकि शरद जी के जाने के बाद उनकी विचारधारा का अक्षरसा पालन इन दोनों ने किया ना उनकी अस्थियां नदी में विसर्जित की गई ना उनके मरने के बाद भोज रखा गया ना ही ब्राह्मण भोज रखा गया और ना ही किसी तरह का कर्मकांड किया गया इन दोनों का कहना है कि हमारे पिता यही चाहते थे अब सवाल ये उठता है कि वो आखिर ऐसा क्यों चाहते थे जो तथा कथित आस्थावान लोग हैं उनकी नज़र में गंगा नदी नहीं है माँ है और मौका पड़ने पर यह भी कहने से नहीं चूकते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है यानी कि गंगा जिसके लिए मां है वो लोग नदियों में अस्थियां विसर्जित करते हैं अपने घर की पूजा पाठ का जो गंदगी होती है सड़ी गली मालाएं होती हैं हवन कुंड की जली हुई सामग्री और राख होती है वो सब नदी में फेंक देते हैं जो मूर्तियां लगाते हैं अलग अलग त्योहारों पर उन मूर्तियों को नदी में फेंक देते हैं बिना ये सोचे हुए कि नदियां गंदी होंगी लेकिन सरद जी को आप नास्तिक कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वो संविधानवादी और विज्ञानवादी थे इसलिए उनके अंदर मानववाद कूट कूट के भरा हुआ था शरद जी नदी को नदी ही समझते थे लेकिन उनके बेटे और बेटी गर्व के साथ बताते हैं कि मेरे पिता कहते थे कि अस्थियां नदियों में विसर्जित करने से उनका पानी दूषित होता है इतना ही नहीं सरद जी के परिवार ने उनकी इच्छा अनुसार घोषणा की कि हम मृत्यु भोज यानी गिद्ध भोज नहीं करेंगे बेटे बेटी बताते हैं कि शरद जी कहते थे कि अच्छे सक्षम घर के लोग जब पैसे को दिखाने के लिए अपने सानो शौकत के प्रदर्शन के लिए मृत्यु भोज आयोजित करते हैं तो उनके देखा देखी तथा कथित सामाजिक मूल्यों के पालन के लिए गरीब घर गर के लोगों को भी ये करना पड़ता है शरद जी कहते थे कि जीते जी जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते मरने के बाद सानो सौकस से मृत्यु भोज करके ढिंडोरा पीटते हैं कि हम अपने मां बाप को कितना प्रेम करते थे शरद जी आपकी नजर में आस्तिक नहीं थे ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन गरीबों के बारे में सोचते थे और यह भी सोचते थे कि बुजुर्गों की सेवा करना ही सच्ची सेवा करना है लेकिन वो लोग जिनको आप तथाकथित आस्तिक कहते हैं ऐसे सारे लोग नहीं लेकिन जरा एक लिस्ट बनाइएगा अंतिम समय में तमाम ऐसे लोग जो धार्मिक पाखंड से ग्रसित हैं घर में कर्मकांड करते हैं वो लोग अपने मां बाप को जाकर के अनाथालय में छोड़ आते हैं या उनकी सेवा नहीं करते अब सोचिए कि कौन ज्यादा बड़ा आपकी नजर में मानववादी है कौन वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है और कौन अधर्मी है धर्म का मतलब बहुत तेजी से जय जय श्री राम करना नहीं होता धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाना नहीं होता है धर्म का मतलब एक दूसरे समुदायों के प्रति कट्टरता रखना नहीं होता है धर्म का मतलब खुलेआम सड़कों पर तलवारे लहराना नहीं होता है धर्म का मतलब एक पार्टी विशेष का सदस्य हो जाना मंदिर या मस्जिद में माथा टेकना माथा रंग लेना कंठी माला पहन लेना नहीं होता है चीनी का धर्म होता है मिठास नमक का धर्म होता है उसका कसैलापन मतलब गुण वैसे ही किसी भी इंसान का असली धर्म होता है इंसानियत यानी कि मानवता यानी कि मानववाद मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुझसे कहते हैं कि मैं ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखता बिल्कुल ठीक बात है जिस तरीके से शरद जी को नदियों से पेड़ पौधों से प्रकृति से और पशुओं से प्रेम था ना वो नदी को मां मानते थे और ना गाय को मां या बैल को बाप इसके बावजूद शरद जी को पशुओं से प्रेम था उसी तरीके से मैं व्यक्तिगत तौर पर चूहे को गणेश का वाहन नहीं मानता चूहे को चूहा ही मानता हूं इसके बावजूद मैं अपने घर में चूहा मार दवा नहीं रखता हूं क्योंकि मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता मैं पिंजड़े में कैद करके बाहर फिकवाता हूं लेकिन वो लोग जो गणेश की पूजा करते हैं गणेश का वाहन चूहे को मारते हैं वो तथाकथित धार्मिक आस्थावान और नफरती लोग अपने घरों में चूहा मार दवा रखते हैं इस प्रैक्टिकल को अपने इर्द गिर्द करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर की सत्ता में भरोसा ना रखना एक दार्शनिक लेवल का सवाल है इसलिए पूरे देश में आप एक नास्तिक व्यक्ति यानी कि जो तथाकथित मूर्तियों में मंदिर मस्जिदों में भरोसा न रखता हो ऐसा एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जो मर्डर या रेपिस्ट हो तमाम ऐसे मामलों में नजदीकी थानों में जाइए इस तरह की घटनाओं में शामिल होने वाले लोग आपको सौ के सौ प्रतिशत जितने भी धर्म प्रचलित हैं पूरे विश्व में उनमें किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति जरूर होगा अगर वो वास्तविक हो गया होगा मानववादी हो गया होगा विज्ञानवादी हो गया होगा तर्कवादी हो गया होगा तो सौ प्रतिशत वो इस तरीके के कर्मों में लिप्त हो ही नहीं सकता मेरा दावा और चुनौती है जो लोग तथा कथित धार्मिक हैं वो लोग अपने बेटी और बेटियों में अंतर करते हैं लेकिन शरद जी ने कहा मेरे जाने के बाद मुखाग्नि मेरे बेटे और बेटी दोनों देंगे क्योंकि दोनों की बराबरी पर भरोसा रखते थे ऐसा उनका बेटा और बेटी का कहना है इसलिए उनकी इच्छा के अनुरूप उनके बेटे और बेटी दोनों ने अंतिम समय में उनको मुखाग्नि दी क्योंकि उनका कहना था कि मेरी अस्थियां नदियों में विसर्जित ना की जाएं, वो कर्म भूमि और जन्मभूमि पर भरोसा रखते थे तो उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश के बावई में खोद करके उनकी अस्थियां गाड़ दी गई और अब दूसरी अस्थियों का जो कलश है उसको पटना से सड़क मार्ग से मधेपुरा तक ले जाकर के वहीं पर जमीन में दफन की जाएंगी यानी कि जाते जाते शरद यादव जी लोगों को सामाजिक चेतना का विज्ञानवाद का मानववाद का सूत्र बता गए जो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और यहां तक की राष्ट्रपति बनने के बाद भी नहीं दे पाते शरद जी के विचार और उनके कामों को देखते हुए नेशनल जनमत तथा कथित बहुजनवादी मीडिया से अपील करता है सरद जी चूंकि स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखते थे सरद जी भी मेरी तरह इन्हीं विचारों के थे कि जिंदा जाता नहीं मरा बताता नहीं तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की इसलिए सरद जी के नाम के आगे यशाकाई शेष बोधि सत्या इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा इस बारे में भी नेशनल जनमत का तर्क है कि वो लोग जो अपने जीवन में दर्जनों मर्डर करते हैं दर्जनों रेप के आरोप होते हैं या तमाम तरीके के व्यवचार के आरोप भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं उनके मरने के बाद उनका परिवार जब उनकी तेरवीं का कार्ड छपवाता है या उनके नाम के आगे कुछ लिखता है तो क्या लिखता है नरकी अगर इस तरह के कृत्य करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग में जाता है तो शरद जी जैसे महान व्यक्ति को स्वर्ग में मत भेजिए हाथ जोड़ करके निवेदन है इसलिए जाति देख कर नहीं उनके विचार देख करके उनकी पुण्यतिथि कभी मत मनाइएगा स्मृति दिवस मनाइएगा पाप पुण्य के खेल में भरोसा नहीं रखते थे इसलिए उनके परिवार के लोगों ने उनके अनुयायियों के लिए शोक सभा का आयोजन किया उनके बेटे और बेटी को शरद यादव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए साधुवाद देता हूं तो कुल मिलाकर के शरद जी के जाने के बाद उनको सच्ची आदरांजलि यही होगी कि उनके विचारों का अनुसरण करते हुए पुरजोर तरीके से गिद्ध भोज यानी कि तथाकथित भोज का बहिष्कार करें शरद जी के विचारों के अनुरूप अस्थियों को नदियों में प्रवाहित ना करें जमीन में दफन करें नदी को पर्यावरण को बचाएं बेटे बेटी को बराबरी का दर्जा देते हुए मुखाग्नि में यह तथाकथित धार्मिक पाखंडी रूढ़ियों को तोड़ दें दोनों को बराबरी का दर्जा दें देखते रहिए संजन मत जागरूक और सजग बने रहिए जय विज्ञान जय संविधान जय लोकतंत्र धन्यवाद